हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार सेल्स सिमुलेटर डीलरशिप, और ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस हम लोग को यहाँ पे एक मेरा शोरूम मिल रहा है, और शोरूम के आगे कितना ज़्यादा कचड़ा है गाइस, तो इसको मैं सबसे पहले साफ करूँगा। और मेरे को शोरूम मिल रहा है, मेरे को ये शोरूम को अच्छे से क्लीन करना है, और यहाँ पे ढेर सारी गाड़ियों को ला के सेल करना है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। गाइस ये यहाँ पे है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं डस्टबिन में डालता हूँ। इसके साथ मेरे को पैसे मिलने हैं क्या? पैसे नहीं मिलने गाइस मेरे को। पैसे मिलते तो और अच्छा रहता, लेकिन मिल नहीं रहे, तो अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं गाइस, ये इधर हट भी सकता है, तो जल्दी जल्दी से साफ़ करते हैं। वो क्या है गाइस, ये भी साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक और है, इसको भी साफ़ करते हैं, और एक लास्ट यहाँ पे बच्चा है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। कितना ज़्यादा गंदगी था यहाँ पे। अभी ये सब हम लोग जो यहाँ पे लगा है ये सब भी हटाते हैं, प्लैंक्स। और प्लैंक्स हटाने के बाद मेरा जो रूम है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। रूम नहीं है गाइस, बेसिकली ये ऑफिस है, पूरा क्लीन हो जाएगा। और क्लीन होने के बाद हम लोग यहाँ पर गाड़ियाँ ला के आराम से सेल कर सकते हैं। तो ये पूरा टास्क कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं क्यों गाइस, बाहर जाते तो और अच्छा रहता। ये ओपन करते हैं, ओपन भी हो चुके, हम लोग ऑफिस के अंदर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑफिस के अंदर। एक बार हम लोग बाहर चल के देखते हैं कि हम लोग बाहर जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। क्या सीन है गाइस, मैं बाहर ही नहीं जा पा रहा हूँ। एक बार ही देखो तो सही, यहाँ पे एक बार ये ओपन कर सकता हूँ क्या, थ्रो करता हूँ एक बार देखता हूँ। यहाँ पर थ्रो नहीं हो सकता गाइस, जो चीज़ हम लोग उठाते हैं वो थ्रो कर सकते थे, लेकिन अभी तो उठा नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोग गेम का सेव का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग सेव कर लेते हैं और यहाँ से करते हैं क्लियर। पता नहीं क्यों गाइस मैं बाहर ही नहीं जा पा रहा हूँ, ये देख सकते हो। अभी वहाँ पे एक भिखारी मेरे को दिखाई दे रहा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला गेम, पूरा रियल लग रहा है। जैसे पीसी तरह होता है ऐसे ही पीसी तरह लग रहा है। यहाँ पे हम लोग बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर को हम लोग ओपन करके देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है गाइस, यू डोंट हैव एनी कार, तो मेरे पास एक भी कार भी नहीं है, ये भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे को रैंक भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको बैक करते हैं गाइस, अभी तो मेरे पास बहुत कम डॉलर है, हम लोग इसको बैक करते हैं। मेरे पास अभी 7,500 डॉलर है, इतना में मैं क्या कर सकता हूँ ये तो मेरे को भी नहीं पता। मैं चलता हूँ सबसे पहले कार को ख़रीदने के लिए, लेकिन ये मैं जा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ये देख सकते हो गाइस, मैं पता नहीं क्यों जा ही नहीं पा रहा हूँ, ये देख सकते हो गाइस। मैं जाता तो अच्छा रहता, एक बार देखो तो सही गाइस, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ रूम से बाहर, रूम नहीं गाइस ऑफिस से बाहर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो क्या करूँ गाइस, इस ऑफिस से बाहर जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जम करके जाना पड़ेगा क्या गाइस? जम करके भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं, ना ही ऐसे ही बाहर जा पा रहा हूँ। ये गेट ओपन क्यों नहीं हो रहा है गाइस, ये देख सकते हो गाइस, ये तो लेवल दिखा रहा है हम लोग कितने लेवल के हैं, आई थिंक यहाँ से भी नहीं हो सकता। अच्छा गाइस मेरे को पहले बिजनेस नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं आई थिंक मैं बाहर जा सकता हूँ। तो सबसे पहले चलते अपने कंप्यूटर के पास, और वहाँ पे जाके हम लोग अपना बिजनेस का नेम लिखते हैं। तो नेम कैसे लिखेगा इस, यहाँ पे ऑफिस दे रहा है, हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, कस्टमाइज मेरे को नेम लिखना है। नेम मैं कहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ देख सकते हो साइन इन, यहाँ पे दे रहा है डिज़ाइन, डिज़ाइन तो सही है गाइस, मार्केट भी सही है। अभी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? ये अंदर का सीन है, ये बाहर का सीन है, और ऑफिस का नेम भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग कैसे लिखें यहाँ पे। अभी दिखाई तो दे रहा है गाइस लिखने, हम लोग लिखते हैं गाइस अनुज मोटर्स, जो कि अच्छा दिखेगा। एक बार ही देखते हैं कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस, यहाँ पर अच्छा तो दिख रहा है, ये बढ़िया है। अभी हम लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं शायद, और बाइक चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, अगर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा गाइस। अभी हम लोग बाहर जा सकते हैं क्या, एक बार ही देखते हैं, अगर बाहर चले गए गाइस तो अच्छा रहेगा। और मैं बाहर आ चुका, और ये अनुज मोटर्स काफ़ी कूल लग रहा है। अभी हम लोग कहाँ चले गए, इधर चल के एक्सप्लोर करते हैं कि इधर में क्या है गाइस। ये भिखारी है, मैं इसको दान दे सकता हूँ क्या? ये गाइस दान तो दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास खुद का पैसा नहीं है। एक बार देखते हैं गाइस, गिव मनी, हम लोग मनी नहीं दे सकते इसको गाइस, अभी मनी तो इसको देना ही पड़ेगा, नहीं बैक कर सकते हम लोग। ये बढ़िया है गाइस, अभी इधर चलते हैं, और इधर गाइस आई थिंक मैं इधर पेंट वगैरह करवा सकता हूँ, और एक बार देख सकते हो गाइस मेरे को यहाँ पे आने के बाद आई थिंक मैं यहाँ पे पेंट करवा सकता हूँ। और इधर में चलते हैं गाइस, और इधर में रिपेयर हो सकती है, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग चलते नहीं हैं। और यहाँ पर क्या हो सकती है गाइस, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कुछ तो होती होगी गाइस, ये कारपेंटर, और ये गाइस आई थिंक कुछ होने वाली है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या होगा। हम लोग सीधे चलते हैं, अभी
अपने बस से जाएंगे कहीं पे, और वहाँ पे जाके हम लोग सबसे पहले कार खरीदेंगे। तो ट्रैवल में हम लोग कहाँ जा सकते गाइस, हम लोग कार मार्केट चले गए। एक बार मैं बैक करके देखता हूँ कि कार मार्केट ओपन है कि नहीं ओपन है। इस कार मार्केट पता नहीं ओपन है कि नहीं ओपन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग सीधे चलते हैं कार मार्केट और वहाँ पे चल के देखेंगे कि कार मार्केट ओपन होगा तो हम लोग कार वगैरह खरीद सकते हैं। और इधर देख सकते हो गाइस, इधर तो कार मार्केट ओपन ही नहीं है गाइस, यहाँ पे मेरा मनी वेस्ट हो चुका। और यहाँ पे है गाइस कार मार्केट जो कि ओपन नहीं है। तो हम लोग चलते हैं नेदरवुड और वहाँ पे चल के हम लोग खरीदेंगे गाइस, जो कि देखते हैं कितनी महंगी महंगी और कितनी सस्ती सस्ती है यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ियाँ तो बहुत है गाइस, और गाड़ियाँ तो अच्छी अच्छी है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला कार को चल के देखते हैं कि ये वाला कार हम लोग को कितना का मिलेगा। और ये गाइस मैंने सब कुछ देख तो लिया, अभी ये मेरे को कितना पड़ रहा है, ये मेरे को पड़ रहा है गाइस 11,312 रुपीज़ का पड़ता है, जो कि हम लोग इसको बार्गेनिंग कर सकते क्या? बार्गेनिंग नहीं कर सकते गाइस, आई थिंक बार्गेनिंग करता तो अच्छा रहता गाइस। मैं बैक करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा कार है, मेरे पास अभी 7,000 ही रुपीज़ है। तो हम लोग इतना महंगा कार खरीद कैसे सकते हैं, ये बहुत ही, अभी ये भी बहुत ज़्यादा लग्जरी कार होगा गाइस। एक बार ही देखते हैं कि ये कितना का है गाइस, ये 30,000 का है। हम लोग सीधे चलते हैं सस्ती कार लेने के लिए, हम लोग सस्ती कार लेंगे। और इधर गाइस देख सकते हो कार का पूरा भंडार है, तो हम लोग को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, हम लोग आराम से एक कार खरीद सकते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कितना का दे रहा है, और ये गाइस बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। एक बार ही देख सकते हैं इसका कार, इसका कार है गाइस 20,000, जो कि अपने बजट से बाहर है, तो हम लोग ये वाला नहीं खरीद सकते। और बार बार ये मेरा जो फिस्ट का स्किन है वो आ जा रहा है गाइस, ये भी बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। तो हम लोग चलते हैं इस बाइक के पास और देखते हैं कि ये कार कितना का मिल रहा है। अभी बात करते हैं गाइस, देखते हैं कि ये कार मेरे को कितना का पड़ रहा है। ये गाइस देख सकते हो, ये मेरे को पड़ रहा है 3,000, जो कि बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ये 3,333 रुपीज़ की पड़ रही है, जो कि अच्छी बात है, हम लोग इसको बाई कर लेते हैं। और ये कार हो चुका है मेरा गाइस, मैंने सीधे इसको बाई कर लिया बिना देखे समझे। अभी हम लोग और कार बाई करें या फिर इसको लेके चले गाइस, हम लोग इसको लेके चलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इसको लेके चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। और ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे काम के बाद ये होगा। और ये देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा ऑल राइट गाइस, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी लेके शोरूम के पास तो आ चुके हैं, और हम लोगों ने गाड़ी तो अपने शोरूम के अंदर लगा चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट नहीं गाइस, बंद करते हैं, बंद करने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं और इसको चल के हम लोग सेल पे लगाते हैं गाइस, देखते हैं कि ये मेरे को कितना का मिलेगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये गाड़ी डैमेज कितनी है गाइस, इस गाड़ी को डैमेज भी तो मेरे को देखना पड़ेगा गाइस, ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये डैमेज कितनी है। मैं बाहर आता हूँ, सबसे पहले बाहर आके मैं कहाँ से देख सकता हूँ कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा डैमेज है गाइस, डैमेज होगी तभी तो वो सेल किए होंगे। मैं इधर से देखता हूँ गाइस, आई थिंक मैं रिपेयर करवाने के पास ही लेके चलता हूँ, या फिर मैं यहाँ से देख सकता हूँ गाइस। मैं सीधे चलता हूँ रिपेयर करवाने और वहाँ पे चल के मेरे को पता चलेगा कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा या फिर कितनी ज़्यादा खराब है। मैं सीधे चलता हूँ बैक करके गाइस, इसके अंदर मेरा कैरेक्टर बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है तो और अच्छा लग रहा है। जगह में चल के इसको रिपेयर करवाएंगे और मेरे को पता ही चलेगा इसकी कितना ज़्यादा रिपेयर में खर्चा आने वाला है, हम लोग इससे गाइस रिपेयर करवा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस कार गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा एकदम क्लीन है, हम लोग को बस इसको सेल करना है। तो अच्छी बात है गाइस, हम लोग जल्दी से इसको सेल करते हैं कार के अंदर बैठ के और सीधे लेके चलते हैं अपने दोस्त के पास और वहाँ पे ले जाने के बाद गाइस मैं इसको बेच सकता हूँ। तो पहले रिपेयर कर दो गाइस, मेरे को पैक करना है, आगे नहीं लेके जाना है और भी अच्छा खासा हो जाता है। इतना सस्ता क्यों पड़ गया, इसमें जरा भी कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोग इसको पेंट भी नहीं करवाते गए, जैसा है वैसे ही हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग खरीद के लेकर आए थे 3,333 रुपीज़ और इसको हम लोग बेचने वाले हैं गाइस, हम लोग इसको कितना बेचने वाले हैं, 5,000 कर दे क्या, मेरे को 2,000 का मुनाफा हो जाएगा। तो हम लोग 5,000 करके देखते हैं कि 5,000 में हो पाता है कि नहीं हो पाता। सबसे पहले तो हम लोग ने कार तो खरीद लिया था, अभी मेरे को कार सेल भी करना है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक कार खरीद लिया है और इसको सेल में लगाने से पहले मेरे को इसका प्राइस क्या करना है, मेरे को प्राइस दुगुना करना है। तो मैं इसको प्राइस दुगुना कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्राइस दुगुना कैसे कर सकता गाइस, यहाँ पे कुछ भी ख़राबी नहीं है,
तो प्राइस यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या मैं? आई थिंक यहाँ से कर सकता हूँ। इसका प्राइस मैं लगाने वाला हूँ गाइस 5,000, जो कि बहुत ही कम प्राइस है इस गाड़ी के लिए। मैंने इसको खरीद के भी उतना का ही लाया था, अभी लग चुका है गाइस। हम लोग चलते, देखते हैं कि कोई कस्टमर आया कि नहीं आया, और देखते हैं कि कौन सा कस्टमर आ रहा है इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। और ये गाड़ी गाइस, ये मेरा बार बार पता नहीं क्यों ये वाला ऑप्शन ओपन हो जा रहा है। और ये गाड़ी यहाँ पे देख सकते हो, सेल के लिए तो कस्टमर आ चुके हैं गाइस। इससे बात करते हैं, और ये मेरे को गाइस दे रही है जितना मैं लगाया था उतना ही ये लड़की दे रही है। तो हम लोग इसको सेल कर सकते हैं गाइस। अभी देख सकते हैं ये कितना दे रही है, ये उतना ही दे रही है गाइस। तो मैं इसको सेल कर दिया। तो गाइस मेरी पहली गाड़ी सेल हो चुकी है, और सेल करते करते रात हो चुका है। तो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा है गाइस कमेंट में बताओ, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।